हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। काफ़ी अच्छी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। गवर्नमेंट परमानेंट वैकेंसी आई है रेजिडेंशियल स्कूल से, नेतरहाट विद्यालय समिति की तरफ से ये वैकेंसी है। लेवल 10 के अकॉर्डिंग सैलरी यहाँ पर रखी गई है। 80,000 से अधिक सैलरी आप लोगों को यहाँ पर मिलती है। साथ में कई सुविधाएं जैसे कि रहने की सुविधा यहाँ पर फ्री होगी, फ्री आवास, बोनस, इसके साथ में राज्य सरकार की तरफ से जितने भी जो है गवर्नमेंट अलाउंसेंस होते हैं वो भी आप लोगों को दिए जाएंगे। दो बच्चों की जो है एजुकेशन फ्री रहेगी, PF, ये सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड होती हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर आपने BEd किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और जिन्होंने BEd नहीं किया है वह भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। सभी राज्यों के कैंडिडेट बिल्कुल यहाँ पर अलाउ हैं। तो चलिए देख लेते हैं वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है वो कहाँ से जारी किया गया है। सब्जेक्ट देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी आई है। सबसे पहले जो है मेन वेबसाइट चलते हैं, नेतरहाट विद्यालय, जहाँ से वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। राइट साइड में आप देखेंगे कि विज्ञापन आप लोगों को दिखाई देगा। रीड मोर पर जो आप लोग क्लिक करेंगे तो अभी तक के जितने भी नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं सभी आप लोगों को यहाँ नजर आएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे जो एडवर्टीजमेंट दिखाई देंगे, और कुछ समय पहले यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी आई थी, अपॉइंटमेंट हो चुके हैं। फिलहाल हम बात करने वाले हैं रेगुलर परमानेंट पोस्ट की। तो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नंबर नेट अपॉइंटमेंट रेगुलर, विज्ञापन संख्या है 2/2024। एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर 10 फरवरी 2024 को ये एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है। चलिए इसको देख लेते हैं और सारी चीज़ें समझ लेते हैं। तो ये जो है नोटिफिकेशन है, 8 पेजेस की PDF फाइल है ये। नेतरहाट विद्यालय समिति नेतरहाट से वैकेंसी है, और सही तरीके से जो है हम जानेंगे। क्वालिफिकेशन जो है जिसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, BEd वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास BEd नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट देख लेते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट है तो ही आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगा, अंत तक वीडियो के बने रहें। सबसे पहले जो है हम सब्जेक्ट देखेंगे, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ्स। SST में सभी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा एग्रीकल्चर और बायोलॉजी की वैकेंसी है। नेक्स्ट जो है क्वालिफिकेशन देख लें आप, क्योंकि क्वालिफिकेशन में काफ़ी जो है यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहेंगे तो ये कंपलसरी रहेगा कि ये तो होना ही चाहिए। जैसे ए में इन्होंने दिया है, जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएट ऑनर्स हैं 50% मार्क्स के साथ में, और रेलिवेंट सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री है 55% मार्क्स के साथ में, और साथ में जो है वो BEd किया हुआ है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरी कंडीशन आप देखें, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने डिग्री इन टीचिंग फ्रॉम सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश और फॉरेन लैंग्वेज हैदराबाद, तो इंग्लिश टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड जो कंडीशन है, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 2 साल का MSc एड किया हुआ है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन NCERT, तो साइंस टीचर के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो था जहां पर BEd चाहिए था। अब डी जो ऑप्शन है ये कहता है कि बिना BEd के भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपने 3 साल का जो है टीचिंग एक्सपीरियंस सीनियर सेकेंडरी का आपने हासिल किया हो, या फिर आपने किसी आवासीय विद्यालय में जो है वो पढ़ाया हो, तो बिल्कुल आप एलिजिबल हो जाते हैं। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप लोगों को जो है डिग्री यानी कि BEd आप लोगों को 3 साल के अंदर जो है वो करना होगा ज्वाइनिंग के बाद। नेक्स्ट ऑप्शन और भी देखिए, ग्रेजुएट ऑनर्स वाले 50% मार्क्स और 60% मार्क्स अगर मास्टर डिग्री में है तो भी यहाँ पर जो है वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो ना तो एक्सपीरियंस चाहिए ना ही यहाँ पर BEd चाहिए। बस इन्होंने कहा है कि 50% मार्क्स जो है ग्रेजुएट ऑनर्स वालों के होने चाहिए, और 60% मार्क्स आपके मास्टर डिग्री आपकी होनी
चाहिए, बस इतना ही इन्होंने कहा है। बाकी जो है 3 सालों के अंदर, जो है ज्वाइनिंग की डेट के बाद के 3 सालों के अंदर आप लोगों को बीएड करना होगा। पढ़ाने का जो तरीका है वो आप सभी जानते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों ही रहेगा। सैलरी के साथ में मैंने आप लोगों को बताया कि दो चिल्ड्रन, सन या डॉटर जो भी है, तो यहाँ पर जो रेगुलर स्टाफ रहेगा तो उनके दो बच्चों के लिए जो है यहाँ फ्री एजुकेशन प्रोवाइड होगी, और साथ में जो है एकोमोडेशन, रहने की सुविधा भी जो है यहाँ पर फ्री रहेगी। एप्लीकेशन फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, 1,000 रुपीज़ जनरल कैटेगरी के लिए है, एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए, जनरल और ओबीसी के लिए 1,000 है, और 300 रुपीज़ है ईडब्ल्यूएस एससी एसटी कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो एप्लीकेशन फीस तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन सरकारी परमानेंट वैकेंसी है ये। जनरल या ईडब्ल्यूएस के लिए जो है मैक्सिमम अपर एज लिमिट 40 ईयर है, बैकवर्ड क्लासेस, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस 42 ईयर है। वोमेन, चाहे वह जनरल कैटेगरी की है, बैकवर्ड क्लासेस की है, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस की है, 43 ईयर है। एससी एसटी, चाहे वह मेन है या वोमेन है, तो 45 ईयर रखी गई है। फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट की जो एज है हर कैटेगरी के लिए 5 ईयर की यहाँ पर छूट रहने वाली है। 1 साल का जो है, 1 ईयर का जो है यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड रहेगा, परीक्षा काल। ठीक है, अब देख लेते हैं सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है, फर्स्ट जो है शॉर्टलिस्टेड करेंगे, सेकंड फेज में रिटन टेस्ट होगा, थर्ड क्लासरूम टीचिंग होगी, उसके बाद इंटरव्यू रहेगा। ठीक है, इस तरीके से जो है यहाँ पर सिलेक्शन होगा। बाकी जो है और भी जो नियम दिए गए हैं, जो कि महत्वपूर्ण नियम जो है वो सभी मैंने आप लोगों को बता दिया है। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, तो ये मेन वेबसाइट है, इस पर आप लोगों को विजिट करना होगा, और बाकी जो है एक एक करके आप सारी चीज़ें समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। स्टार्टिंग डेट जो रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फीस की, 14 फरवरी 2024 स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट ध्यान में रखिए 31 मार्च 2024। ठीक है, तो वैकेंसी जो है नेतरहाट विद्यालय समिति, नेतरहाट ये है कहाँ पर, तो ये है झारखंड में। ठीक है, झारखंड राज्य की ये वैकेंसी है। तो यहाँ से जो है काफ़ी वैकेंसी आती रहती हैं, इससे पहले भी वैकेंसी जारी की गई थी। तो जैसे कि केंद्रीय विद्यालय में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी हर साल आती हैं, और परमानेंट वैकेंसी हर 2 साल में आपको दिख ही जाती हैं, लंबा प्रोसीजर हो जाता है जब तक टीचर्स जो है उनका अपॉइंटमेंट नहीं हो जाता। इसी तरीके से यहाँ पर रहता है, काफ़ी बड़ा जो है ये समिति, काफ़ी बड़ी है, और यहाँ सिलेक्शन इसी तरीके से होते रहते हैं। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी रहने वाली है, सभी राज्यों के कैंडिडेट बीएड वाले, बिना बीएड वाले बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पर आप लोगों को मेन वेबसाइट पर सबसे पहले जो है आना है, अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं। ऑनलाइन फीस पेमेंट आप लोगों को यहाँ पर होम पेज पर ही दिखाई दे जाएगा। लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिलेगा। जितने भी वैकेंसी के नोटिफिकेशन जारी होते हैं, लिंक आप लोगों को ज़रूर दिया जाता है, ताकि जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है अप्लाई करिए। अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ताकि और भी कैंडिडेट को जो है पता लग सके नोटिफिकेशन के बारे में, और उनकी भी जो है कहीं ना कहीं जॉब लग सके। थैंक यू।